बंद करना फोन। So please go and watch. Yeah, definitely. 27th July. Yeah. Thank you. Thank you. Then I want to go with you. I'm sorry. Yes, ready. Hi. Okay, you see the trailer from the side music gangster 3. So Abhi 3 hai, logon ko dilo mazaa aa raha hai. Aapko kis tarah ka reaction aur compliments mil rahe hain? नहीं, रिएक्शन तो अभी तक बहुत अच्छा रहा है, इतने सारे व्यूज़ हुए हैं और सारा कुछ है। बट इस सीरीज़ का यही है कि फर्स्ट पार्ट आया था, लोगों को पसंद आया, कमर्शियली भी फिल्म ने अच्छा किया, तो उसका सेकंड पार्ट बना, थोड़ा बड़ा बना। कोई भी प्रोड्यूसर आई डोंट थिंक कोई किसी फिल्म का सीक्वल बनाएगा अगर उसको कमर्शियली पैसे नहीं आए होंगे, तो अगला क्यों जो है वो उसका सेकेंड पार्ट बनाएगा या थर्ड पार्ट बनाएगा। सेकेंड पार्ट ने फिर अच्छा किया, तो आई थिंक उनको लगा कि थर्ड पार्ट बनना चाहिए और लोगों ने पसंद किया है, सारा कुछ है, तो थोड़ा और बड़ा हुआ मामला। तो इस बार संजू बाबा जो हैं वो आए हैं एज द गैंगस्टर, चित्रांगना आई हैं साथ में, और बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं। तो स्कीमिंग और प्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक लेवल पर होने वाली हैं, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ साहिब बीवी और गैंगस्टर के बीच में प्लॉटिंग चल रही थी, स्कीमिंग चल रही थी। सेकेंड पार्ट में कुछ और किरदार आए और थोड़ी बड़ी हुई स्कीमिंग प्लॉटिंग, और अब थर्ड पार्ट में और बड़े लेवल पे आने वाली है। तो बाकी एक फील जो है वो तो ट्रेलर देख के लोगों को आ ही जाती है। प्लस एक ऐसी सीरीज़ है जिसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपने देखा हुआ है, आपको अच्छा लगा है, वो दुनिया लोगों को अच्छी लगी है। एक लॉयल टाइप की ऑडियंस एक इस सीरीज़ की है, तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये भी जो है वो पसंद आएगा और इसके इसका अगला वाला जो है वो थोड़ा और बड़ा होगा। आई थिंक आपको बता तो चुका हूँ मैं कि संजू बाबा जो हैं इसमें आए हैं, एक गैंगस्टर, नया गैंगस्टर। सो फर्स्ट वन वॉज वेरी कॉम्पैक्ट, एवरीथिंग वॉज बिटवीन थ्री कैरेक्टर्स, साहेब बीवी एंड गैंगस्टर, जो भी स्कीमिंग प्लॉटिंग हो रही थी इन तीन कैरेक्टर्स में हो रही थी। दूसरा पार्ट बड़ा हुआ, इरफान भाई आए, सोहा आई, राज बब्बर जी आए, बहुत सारे और किरदार थे, कुछ और नए राजा आए, और वो स्कीमिंग प्लॉटिंग थोड़ी बड़ी हुई। अब इस वाली में और बड़ी हो गई है। हमेशा अच्छा रहा है मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई MBBS हमने साथ में की थी, लगे रहो मुन्ना भाई साथ में की थी, एकलव्य साथ में की थी, अभी हमारी चौथी फिल्म है साथ में। हमेशा बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, बहुत हम लोगों ने इस बार भी शूटिंग पे सब पुरानी यादें ताज़ा की, मुन्ना भाई MBBS की, लगे रहो मुन्ना भाई, एकलव्य, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं जो चीज़ देखना चाहता था, वो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, वो ये था कि तिग्मांशु धूलिया और संजू बाबा का जो मिश्रण है वो कैसा रहेगा, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहेगा, क्या नया निकल के आएगा। जो ट्रेलर में जो जिसकी फील आपको मिल रही है, और जो कह रहे हैं कि अब वापस लौटा हूँ तो खुल के मज़ा लूँगा, तो वो सब डायलॉग्स और वो सब कुछ लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत पसंद आएगा। काफ़ी तरह के किरदार निभा चुके हैं आपने, लवर बॉय के किरदार कराए हैं, मोहब्बत है, फिर आपने एक गुंडे का भी किरदार कराया है, आपने हर तरीके के किरदार कराए हैं। सो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप और करना चाहते हैं और जो आपको अभी तक मौका ना मिला? नहीं, आई थिंक किया तो अभी तक काफ़ी कुछ है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे
किरदार हैं, आई थिंक मैं कॉमेडीज और ज़्यादा करना चाहता हूँ, हल्के रोल मुझे मज़ा आता है करने में, थोड़ी हल्की फिल्में जो हैं वो करके मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है और मज़ा आता है, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू मोर कॉमेडीज़। अगर आपके यहाँ में कैप्टन अमन का जो किरदार था, आई थिंक वो मेरे बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था वो किरदार, मुझे वो एज अ पर्सन और जिस तरीके से वो था, मे बी बिकॉज जब मैं स्कूल में था तो मैं एक आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, मुझे वो किरदार जो है वो बहुत अच्छा लगा था। अब तो आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं होता है मुझे, आप कल बोलेंगे कि फोर्थ पार्ट जो है नेक्स्ट मंथ से हम लोग शूट करना चाहते हैं और मुझे बस ऑलमोस्ट अ मंथ चाहिए अपनी मूछें वापस उगाने के लिए, एंड आई एम गुड टू गो, बिकॉज अब ये एक तरीके से मेरे जहन में बैठ चुका है ये किरदार। और सेम गोज़ फॉर द कैरेक्टर जो बग्गा, दमन सिंह बग्गा का जो किरदार है, हैप्पी फिर से भाग जाएगी, उसमें सेकेंड पार्ट जो अब आ रहा है उसमें, तो वो भी अब दो करने के बाद अब वो भी एक तरीके से अंदर बैठ गया है। तनु मनु का जो राजा अवस्थी है वो भी एक ऐसा किरदार है जो काइंड ऑफ अंदर बैठ गया है हमारे, तो ये इन सीरीज़ में से कुछ भी आता है तो एक्साइटमेंट भी होती है और आई थिंक मज़ा भी आता है। बाकी बहुत सारी और चीज़ों की प्रेपरेशन होती है, जैसे कि अब लुक क्या होगी, कैसा होगा, और बाकी चीज़ें कि सीन्स में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों की प्रेपरेशन जाती है। बट जब आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर होता है तिग्मांशु धूलिया जैसा, तो काम बहुत आसान हो जाता है। एक ऐसी चीज़ जो साहिब के किरदार में जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगी हो, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हो आपको? आई थिंक सेकेंड पार्ट में व्हील चेयर पे होके और फिर भी सीन्स को होल्ड करना, वो आई थिंक मेरे लिए बहुत, मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट तिग्मांशु काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, उनको ऐसा था कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा सोचो भी मत कि किसी पॉइंट पे साहिब जो है वो बोरिंग होगा ऑन अ व्हील, जस्ट बिकॉज ही इज़ ऑन अ व्हील चेयर। तो और फिर जब शूटिंग स्टार्ट हुई, सारा कुछ हुआ, तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने सीन्स को लिखा और हम लोगों ने जो शूट किया वो फिर अलग निकल के आया। अरे शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एंड आई थिंक जो उनका किरदार है जिस हिसाब से इस फिल्म के अंदर लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत प्यारा किरदार है, और मतलब मैंने तो पहले कभी काम उनके साथ किया नहीं था, तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली वर्क ऑन मोर प्रोजेक्ट्स विद हर। या ओके सर, और शूटिंग के अगर एक्सपीरियंस की बात करिए, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे कि आपने बोला कि बाबर के साथ, और किस किस तरह की बातें लिखी, कोई किस तरह कुछ? आई थिंक क्या है ना, जिस वेदर में हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे, वो बहुत गर्म था, बहुत बॉइलिंग हॉट जिसको बोलते हैं, 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर राजस्थान में। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज अमेजिंग। आई थिंक गर्मी की वजह से थोड़ा काम स्लो हो जाता है, इंसान खुद भी स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन हो जाते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक यही चीज़ मैं प्रोड्यूसर को भी कह रहा था कि यार अगला पार्ट बनाओगे, अगर बनाओगे तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे मौसम में बनाना, ताकि मज़ा तो ले सकें उस जगह का जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। ओके सर, जैसे कि अभी बाबा की फिल्म भी आई है संजू, वो देखिए आपने कैसे? जी जी जी, बाबा की फिल्म, बाबा इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न राइट नाउ, एंड वी आर होपिंग उनकी वो फिल्म आई है, इतना बढ़िया उसने बिजनेस किया है, अभी उनकी साइबेरी गैंगस्टर आ रही है, और इसमें कुछ एक नयापन लोगों को बाबा का देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा और तिग्मांशु धूलिया कुछ एक अलग कॉम्बिनेशन, और उसके बाद संजू बाबा का बर्थडे भी आ रहा है, तो ये पूरा फ्लेवर है इस वक्त सीज़न का, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी, उसका पहले ट्रेलर तो लॉन्च हो जाने दीजिए ना, अभी कुछ दिनों में, दो तीन दिन में उसका ट्रेलर लॉन्च होगा, फिर बात करेंगे उसके बारे में, मज़ा आएगा। बट मज़ेदार फिल्म है, बहुत मज़ा आया शूट करने में, हमने पंजाब में, बॉम्बे में, चाइना में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इतनी कंट्रीज़ में शूट की, क्योंकि वो भाग रही है, बस सब भाग रहे हैं,
और कमाल की मैडनेस है, पागलपन है उस फिल्म में इस बार, और बहुत मज़ा आएगा लोगों को। ट्रेलर ही देखिएगा आप लोग समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ। हमारी फिल्म साहेब बीवी गैंगस्टर पार्ट 3 27 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, और बहुत प्यार दिया आपने फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को, इसलिए तीसरा पार्ट बना। वो ये देखिए बाबा मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, तो हमारी फिल्म 27 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, पहली साहेब बीवी गैंगस्टर और दूसरी साहेब बीवी गैंगस्टर को बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार और ज़्यादा प्यार जो है आप लोग इस साहेब बीवी गैंगस्टर पार्ट 3 को देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक आईडी चाहिए थी।